क्लास वन में इंग्लिश का पार्ट टू रिवीजन करवा रही हूँ आपको पीटी टेस्ट के लिए। ओके स्टूडेंट, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन से करवाए जा रहे हैं वो आप टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ भी हो उसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज मैं आपको करवा रही हूँ अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड। ओके स्टूडेंट, तो आप देखेंगे अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड में क्या कौन सा कैसा क्वेश्चन है। जीटू इज कीटू, जीटू जो है कीटू का क्या है, रेन है या उसका फादर है, तो आप क्या लगाओगे रेन में टिक लगाओगे क्योंकि वो दूसरे का दोस्त है। जीटू वांटेड टू बॉम या बैग, जीटू को क्या चाहिए था, उसको बैग चाहिए था। अंडरस्टैंड, अब है ट्रू एंड फॉल्स, अब उसके बाद में ट्रू और फॉल्स करूंगी है ना। बिंदु एंड हर मदर आर ऑन बाइसिकल, बिंदु और उसकी माँ जो है वह बाइसिकल पर थी। नो फॉल्स है। ए मैन इज सिटिंग ऑन ए ट्रैक्टर, एक आदमी जो था वह बैठा था कहाँ, ट्रैक्टर पर। इट इज राइट, तो आप यहाँ इसको ट्रू भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द नाउन्स। ओके स्टूडेंट, तो एनिमल आप यहाँ नाउन लिखना है, एनिमल में आपको दो नाम लिखना है, तो एनिमल में आप लिखे कैट और डॉग। दूसरा थिंग्स, पेन बुक्स, थिंग्स मीन्स क्या होता है, कोई वस्तु, जिस वस्तु, तो इसी वस्तु का आप यहाँ आप नाम लिख सकते हो, मैंने लिखा पेन और बुक। दूसरा है कंप्लीट द वर्ड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए खाली जगह है और यहाँ डबल पी एंड ई, तो आप सभी जानते हो कि ए लिखेंगे तो मेरा ए से एप्पल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ है ई डबल एल, तो क्या लिखेंगे, बी ई डबल एल वेल। यहाँ खाली जगह है आर ए एन जी ई, तो कंप्लीट वर्ड करने के लिए अगर हम यहाँ ओ लगाते हैं तो ऑरेंज, इससे क्या हो गया मेरा सारा वर्ड जो है वह कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, मैं चाहूंगी कि आप सारे बच्चे इस वीडियो को देखें, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप भेजेंगे, मैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो तैयार करके